हमारा क्वेश्चन है, अ रॉड ऑफ मास स्मॉल एम एंड लेंथ कैपिटल एल लाइंग हॉरिजॉन्टली इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड एफ एक्ट्स ऑन द रोड एट अ डिस्टेंस ऑफ एल बाय फोर फ्रॉम द सेंटर। द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रॉड। फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द रॉड ड्यूरिंग द टाइम टी आफ्टर द मोशन स्टार्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि ये हमारे पास एक रॉड है जिसका मास स्मॉल एम है और लेंथ है कैपिटल एल। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, ये अपने सेंटर के सेंटर से रोटेट कर रहा है, फ्री टू रोटेट है, मतलब वो रोटेट कर सकता है इसे। हमें क्या बोला है, एक फोर्स लग रही है इसके 1/4 लेंथ पे, यानी कि यहाँ पे एक एफ फोर्स लग रही है जिसकी दूरी कितनी है उसके सेंटर से, एल बाय फोर। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि वो टी टाइम में वो कितना थीटा घूम जाएगा, मतलब कितना एंगल वो घूम जाएगा। तो देखो, हमें पता है कि टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा होता है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे टॉर्क तो पता है, देखो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाय फोर इक्वल्स टू आई क्या होता है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12। इसके लिए आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है। ठीक है, और अल्फ़ा तो यहाँ से देखो, ये इससे कट गया, यहाँ से एक एल से एल कट गया, तो अल्फ़ा हमारा यहाँ से कितना आ गया, 3f बाय एम एल। ठीक है, ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर हम थीटा निकालें तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो रेस्ट से चला, यानी कि इनिशियली थीटा ज़ीरो था, उसका फाइनल थीटा बोल देता हूँ मैं, फाइनली उसका एंगल थीटा था, इनिशियली वो रेस्ट पे था, तो ये ज़ीरो की पूरी क्वांटिटी, तो ये हाफ इंटू अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली जो कि है 3f अपॉन एम एल इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर हमें टाइम बोला कि टी टाइम में कितना चलेगा वो पूछ रहा है, तो ये हमारा थीटा आ गया, तो ये आ जाएगा 3f टी स्क्वायर अपॉन 2ml। तो ये हमारा आंसर जो उसने पूछा कि कितना एंगल वो चलेगा टी सेकंड में। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं,